राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम महेंद्र और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर टिप्स। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में लगने वाले रस चूसक कीटों के लिए अडामा की सिमका कीटनाशक के बारे में। जो धान के पौधों में रस चूसने वाले कीटों के खिलाफ शक्तिशाली नियंत्रण करता है, तो हम इस वीडियो में इस कीटनाशक के बारे में बात करेंगे। धान में कौन कौन से कीटों को मार सकता है, इसका रिजल्ट कितने दिन का है और इसकी कीमत क्या है। जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियो मिलती रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे सिमका क्या है। सिमका के प्रभावी समाधान जो फसलों को चूसने वाले कीटों से बचाता है और फसल की सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें टेक्निकल है प्राइमोटोजिन 50% WG, ये कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा ये ट्रांससेमुलर और सिस्टोमेटिक मोड वाली इंसेक्टिसाइड है, मतलब ये आसानी से हरी पत्तियों में प्रवेश करता है और पौधों के सभी भागों में पहुंच जाता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैल जाता है, जिससे कीट पौधों को खाते हैं और कीट को लगवा ग्रस्त हो जाता है, जिससे एक घंटे के अंदर खाना और अंडे देना दोनों बंद कर देता है और भूख से मर जाता है, और कीटों की गतिविधि लगभग 1 से 4 दिन में ख़त्म कर देता है। सिमका रस चूसने वाले कीटों के खिलाफ शक्तिशाली नियंत्रण प्रदान करता है, मतलब स्प्रे के 15 मिनट बाद सिमका का असर दिखने लगता है। अब बात करते हैं धान की फसल में कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करता है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में ब्राउन प्लांट होपर और लीफ होपर तो प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है और सभी रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करता है। बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा है 120 ग्राम प्रति एकड़ और आप स्प्रे में 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग करें ताकि आपको रिजल्ट पूरा मिले। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो इसका रिजल्ट 20 से 21 दिन रहता है और इसका 500 ग्राम 3500 रुपये में आता है। किसान भाइयों, आप किसी भी अच्छी कंपनी का प्राइमोटोजिन 50% WG ले सकते हैं। इसका काम एक ही जैसा रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको एडामा की सिमका कीटनाशक के बारे में दी जानकारी अच्छी लगी होगी। और किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।